नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिकेट केसरी में। मैं हूं आपके साथ प्रवीण यादव। आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप के दूसरे दिन दो मैच खेले गए, जिनमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम ने शानदार जीत दर्ज की। पहले मैच में इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को 7 विकेट से मात दी, तो वहीं 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 97 रनों से हराया। दिन के पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। पहले बैटिंग करते हुए वेस्टइंडीज महिला टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 135 रन बनाए। इस दौरान कप्तान हैली मैथ्यूज ने 32 गेंदों पर 8 चौकों की मदद से 42 रन की पारी खेली। वहीं 3 नंबर पर बैटिंग करते हुए शेमन कैम्बेल ने 37 गेंदों पर 34 रन बनाए। इन दोनों के अलावा और कोई भी बैटर ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। हालांकि इंग्लैंड की तरफ से सोफी एकलस्टोन ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट लिए। इसके बाद लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की तरफ से ओपनर सोफिया डंगले ने तेज शुरुआत दिलाई और मात्र 18 गेंदों पर 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 34 रन बनाए। वहीं 4 नंबर पर बैटिंग करते हुए नताली सीवर ने 30 गेंदों पर नाबाद 40 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 1 छक्का लगाया। उनका अच्छा साथ दिया नाबाद 32 रन बनाकर कप्तान हैदर नाइट ने। दोनों ने मिलकर 4th विकेट के लिए नाबाद 67 रन की साझेदारी की और टीम को 7 विकेट से जीत दिलाई। सीवर को उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। वहीं दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए एलिसा हीली की शानदार अर्धशतक की मदद से 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 173 रन बनाए। हैली ने पारी की शुरुआत करते हुए 38 गेंदों पर 55 रन बनाए। इनके अलावा कप्तान मैग लेनिन ने भी 41 रन बनाए और एलिस पेरी ने 22 गेंदों पर 40 रन की पारी खेली। न्यूजीलैंड की तरफ से एमेलिया केर और लिया ताहू ने 3-3 विकेट लिए। इसके बाद टारगेट का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और दोनों ओपनर पहले ही ओवर में आउट हो गई। दोनों ओपनर को ऑस्ट्रेलिया की मेगन शूट ने पहले ओवर में आउट किया। इसके बाद एशली गार्डनर ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के 5 बैटर्स को आउट किया और न्यूजीलैंड की टीम को 76 रन पर समेटने में अहम भूमिका निभाई और ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच को 97 रन से अपने नाम किया। गार्डनर को प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। ऑस्ट्रेलिया की टी20 क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ यह सबसे बड़ी जीत है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी और भी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।